नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। सोनारी दो मुहानी में पावर सब स्टेशन निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में भड़के मंत्री सरयू राय। सरकार के पार्क निर्माण स्थल को टाटा स्टील ने दी सब स्टेशन के लिए एनओसी। आज वही होना था शिलान्यास कार्यक्रम। देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर तथा आसपास के इलाकों में अपनाई जा रही है चाक चौबंद व्यवस्था। संवेदनशील इलाकों में रहेगी पुलिस की पैनी नजर। नक्सल प्रभावित इलाकों में स्पेशल फोर्स को किया गया है तैनात। सुनारी थाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। छिनतई करने वाले दो युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूटे गए सामान भी हुआ बरामद। सुनारी कागल नगर इलाके से 13 अगस्त को महिला से इन्होंने की थी छिनतई। पुलिस मुख्यालय पर चढ़ा स्वतंत्रता दिवस का रंग। शहर के प्रसिद्ध पेंटरों से यहां कराई जा रही है पेंटिंग। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों की शौर्य गाथा को उकेरा गया है इस पेंटिंग में। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी दो मुहानी में पावर सब स्टेशन के निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय शिलान्यास करने पहुंचे, जिसके बाद मंत्री सरयू राय शिलान्यास करने से पहले ही भड़क गए और शिलान्यास करने से मना कर दिया। वहीं टाटा स्टील पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए तत्काल डीसी को फटकार लगाते हुए इस मामले की जांच करने की बातें कही। आपको बता दें कि सोनारी सब स्टेशन बना था, जिसको लेकर टाटा स्टील ने जमीन चिन्हित कर एनओसी दी थी, जिसके बाद जब आज मंत्री सरयू राय शिलान्यास करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरकार द्वारा जहां पार्क का निर्माण किया जाना है, वहीं टाटा स्टील द्वारा सब स्टेशन बनाने के लिए एनओसी दे दी गई है, जिसके बाद तत्काल मंत्री सरयू राय ने डीसी से बात कर मामले की जांच करने का आदेश दिया। वहीं मंत्री सरयू राय ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है और जमशेदपुर से टाटा लीज वापस लिया जाए, क्योंकि टाटा स्टील जनता के हित में कार्य नहीं कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है। एक यहां सैंक्शन हुआ है सोनारी के लिए पावर सब स्टेशन, ये बन जाएगा तो उलियान कदमा के लिए हो जाएगा, सोनारी के लिए नया हो जाएगा। हम लोगों ने काफ़ी दिन लग के एनओसी मांगा था। टाटा स्टील ने पहले एनओसी दूसरी जगह दिया था और अभी एनओसी बदल दिया जहाँ पार्क की ज़मीन आ रही है। तो हम लोग पार्क से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैंने शिलान्यास नहीं किया। मैंने डीसी को कह दिया है कि जगह बदलवाइए और बहुत सारी ज़मीन खाली है उसके पीछे में, वहाँ पर इसको करिए ताकि हम लोगों के पार्क की सीमा में कोई अतिक्रमण इस तरह का नहीं हो। हमने भी कहा है कि आप देखिए कि पार्क की ज़मीन अभी सुरक्षित रहे, इसलिए आगे जब ये एनओसी हो जाता है दूसरी तरफ में, तो इसलिए आज बेहतर यही लगा कि हम लोग शिलान्यास नहीं करें। मुझे ये लगता नहीं है कि क्यों टाटा स्टील के लोग इस तरह से करते हैं कि या तो जो ज़मीन विवादित है उसको दे देंगे, जिस ज़मीन में हम लोग कोई अच्छा काम करना चाहते हैं उसको एनओसी दे देंगे। यहाँ से लेके और लंबी दूरी तक काफ़ी ज़मीन बची हुई है, हो सकता है कि ये मेरीन ड्राइव के किनारे हो, उनका इंटरेस्ट हो कि आगे हम कोई इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जनहित के आगे कंपनी को अपना इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। देखकर हम लोगों को बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि कंपनी का जो रवैया है ये जनता के पक्ष में नहीं है, जनहित में नहीं है। जमशेदपुर में 72वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे जिले में संवेदनशील इलाकों में अलग से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए जमशेदपुर के नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शहर में पर्याप्त मात्रा में फोर्स जगह जगह पर तैनात कर दिए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से सभी स्वतंत्रता दिवस को मनाएं, इसके लिए पुलिस ने सभी सतर्कता बरती है। खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष फोर्स की तैनाती कर दी गई है, जो सीधे पीसीआर के संपर्क में रहेंगे। इन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। वहीं इन्होंने शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी। पुलिस की 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, खास करके जमशेदपुर वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया और बहुत ही शांतिमय तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक ऑलरेडी कल जो अपना सुरक्षा दृष्टिकोण से जो
तैयारी है उसके लिए बयान दिए थे। हम लोग हर क्षेत्र में हर तरीके से तैयार हैं। जमशेदपुर के सोनारी थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने दो छिनतई करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कई कांडों में छीने गए सामानों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि विगत 13 जुलाई को सोनारी रूपनगर की रहने वाली महिला के साथ छिनतई की घटना हुई थी। सोनारी तरुण संघ के पास स्कूटी सवार दो युवकों ने महिला से बैग की छिनतई की थी। इस मामले का उद्भेदन के क्रम में पुलिस ने सोनारी ग्वाला बस्ती के रहने वाले गौरव विश्वकर्मा तथा सोनू कुमार नाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इनके द्वारा तीसरे व्यक्ति से स्कूटी लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। वैसे गौरव विश्वकर्मा पूर्व में भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से छीने गए कई सामानों को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। रात्रि 9 बजे वादी परमिला देवी कागल नगर में तरुण संघ के पास से दवा लेकर जा रहे थे, उसी समय स्कूटी पर सवार दो लड़के उनका पर्स छीन लिए। पर्स में छापामारी के क्रम में गौरव विश्वकर्मा नाम के लड़के को, जो पूर्व में भी इसी तरह के छिनतई के केस में जेल गए हैं, उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम और सोनू कुमार राम मिलकर साहिल सिंह के स्कूटी से इस घटना को कारित किए हैं। गौरव कुमार विश्वकर्मा से एक मोबाइल जियो LYF बरामद हुआ और सोनू कुमार राम के घर से भी एक जियो कंपनी का LYF कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ। इस घटना में शामिल जो इस घटना में प्रयुक्त जो स्कूटी था वो भी जो साहिल सिंह का था और उसको गौरव विश्वकर्मा मांग के लाया था, उसको भी इस कांड में बरामद किया गया है और दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा। खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय इन दिनों स्वतंत्रता के रस में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मुख्यालय में शहर के मशहूर कलाकारों के द्वारा अपनी पेंटिंग का अद्भुत नजारा यहां पेश किया जा रहा है, जो हमारे वीर जवानों की वीरता की गाथा को बयां कर रही है। ये नजारा है जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय का, जहां दीवारों में अद्भुत पेंटिंग की जा रही है। मुख्यालय में बने छोटे से पार्क में भी सुंदरता का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं दीवारों पर देश प्रेम की झलक देखने को मिलेगी। इन पेंटिंग को शहर के मशहूर आर्टिस्ट द्वारा मेहनत कर तैयार किया गया है, जो खुद ही देश के जवानों की शौर्य गाथा को बयां करती है। नगर पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस तरह की पेंटिंग से मुख्यालय में आने वाले लोगों को यह पता चलता है कि देश के जवान किस तरह देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इससे मुख्यालय परिसर में देशभक्ति का माहौल भी देखने को मिलेगा। सर ने हमारा जब पेंटिंग देखा था तो उनको लगा कि कुछ हम लोग आर्टिस्ट को इनवाइट करके कुछ यहाँ यूनिक करवा सकते हैं। सो उनका एक था कि पहले तो ये वॉल यहाँ ऐसा वॉल नहीं था, यहाँ एक वॉशरूम बना हुआ था। तो उनको था कि कुछ यूनिक करना है। एंड कल जैसे कि 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त से उनका एक टारगेट है कि सुबह 15 अगस्त से पहले हमें यहाँ कुछ यूनिक चाहिए। तो अब हमारा टारगेट है कि टुडे इज 14th अगस्त एंड हमें आज एनी हाउ ये फिनिश करना है। दिस इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। तो होपफुली ये कल जितने लोग जब आए तो उनका नज़र इस पेंटिंग पे पड़े हैं, हमें भी अप्रिशिएशन मिले। पुलिस ऑफिस को सुसज्जित करने का प्रयास पिछले 4-5 महीना से चल रहा है, हर दिशा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और कार्य जो कार्यशैली है, जो लोग कार्य करते हैं यहाँ, जो पब्लिक आती है, सभी को कैसे रिस्पॉन्स दिया जाए, सभी दिशा में 4-5 महीना से काम चल रहा था। ये जो आप पेंटिंग मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें एक कंसेप्ट था कि हम लोग देश की सेवा के लिए यूनिफॉर्म सर्विस में आते हैं, तो एक उस तरीके का एक पिक्चराइजेशन किया जाए जो लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगे और एक इंस्पिरेशन बने, वही सोच के इसको करवा रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखिए कैसा आता है। जमशेदपुर के उलेडी थाना क्षेत्र स्थित शंकु साई के एक घर में महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। पूरे क्षेत्र में इससे सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि महिला का शव अर्धनग्न था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं महिला के शव में काफी चोट के निशान भी है। महिला मजदूरी किया करती थी और कई दिनों से अपने प्रेमी के साथ इस घर में रह रही थी। वहीं सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि उसके प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या की गई है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुंडा टोला में मिला है, एक रूम में लाश है। छानबीन में प्रथम दृष्टया पता चला है कि जो महिला है वो एक आदमी के साथ में रह रही थी बहुत दिनों से, और उसी क्रम में जो शरीर पर चोट का निशान है उस वजह से लगता है कि मारपीट में उनकी मौत हुई है। हाँ, वो अर्धनग्न अवस्था में मिला, वो उसमें नेम्ड FIR हुआ है उनके दामाद के बयान के आधार पर, बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अच्छा। और हम लोग जो है तो अनुसंधान में ये बात आ जाएगी किस वजह से इन दोनों में इस ढंग का घटना हुआ। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व जमशेदपुर शहर के सभी बाजार तिरंगों से पटा पड़ा है। चारों ओर बाजार में तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है, लेकिन बाजार में इस बार ग्राहक कम नजर आए। दुकानदारों के अनुसार बाजार में लोग आ तो रहे हैं लेकिन खरीदारी नहीं कर रहे हैं।
अमूमन हर वर्ष 15 अगस्त के ठीक पहले दिन पूरा बाजार इलाका ऐसा ही नजर आता है। जिधर देखो उधर तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है, मानो पूरा शहर आजादी के रंग में डूब चुका हो। शहरवासी जमकर झंडे और उससे जुड़े सामानों की खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार बाजार में रौनक नहीं नजर आ रही है। दुकानदारों के अनुसार बाजार में 10 रुपए से लेकर 400 रुपए तक के झंडे उपलब्ध हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी इस बार बाजार में है। ग्राहक दुकानों में आ रहे हैं, लेकिन दाम पूछकर वापस चले जा रहे हैं। पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष बिक्री में काफी कमी आई है। 10 से लेकर 340 तक का झंडा हमारे पास, बिक्री का भी हल्का फुल्का, बाजार मंदा चल रहा है। बाजार ऐसे लग रहा है कि हम लोग पूंजी इस बार नहीं उठे। दिसंबर आ रहे, दाम कुछ के चल जा रहे हैं, इतना महंगा सामान है तो ले नहीं पा रहे। पहले वाले बहुत थर्ड क्लास। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। पर अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रवि की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रति समर्पित हर हिंदुस्तानों के हाथों में तिरंगा लहराने को लेकर शहर के समाज सेवी पप्पू सरदार ने मंगलवार को साक्षी गोलचक्कर पर लोगों के बीच तिरंगा झंडा, तिरंगा बैच, तिरंगा टोपी, तिरंगा हैंड बैग जैसे कई चीजों को बच्चे एवं बड़ों में बांटा और उन्हें एक भारतीय होने के गर्व का एहसास कराया। वही पप्पू सरदार ने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और एक हिंदुस्तानी होने का हमें गर्व है जो हर हिंदुस्तानियों को होता है। उन्होंने कहा कि वे पूरे देश को झंडा बांटने का तो हिम्मत नहीं रखते, लेकिन लोगों के बीच देश प्रेमी होने का संदेश बांट सकते हैं। वहीं इस मौके पर जमशेदपुर के ट्रैफिक DSP भी पहुंचकर पप्पू सरदार के इस देशभक्ति की सराहना करते हुए कहा कि हमेशा से पप्पू सरदार अच्छे काम करते हैं, लेकिन आज लोगों को तिरंगा झंडा बांटकर एक हिंदुस्तानी होने का उन्होंने फर्ज निभाया है।
14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। हम लोग देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं। हम लोग बॉर्डर पर रह के तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो यहाँ कर सकते हैं कि लोगों के दिलों में तिरंगे के लिए चाहत तो जगाएं। मैं बच्चों को, बड़ों को, सबको तिरंगा इसलिए बांट रहा हूँ कि कल सबके हाथ में तिरंगा हो। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं तिरंगा नहीं बांट सकता हूँ, यहाँ तक कि पूरे शहर के लोगों को भी अपने मैं नहीं बांट सकता हूँ। लेकिन कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने भी लोग मेरे पास आएंगे, सबके दिलों में कल तिरंगे की चाहत अधिक से अधिक रहेगी। आखिर हम लोगों को भी गर्व होता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी जो भी दिन होता है, ये एक पर्व की तरह होता है और हर लोगों को इसकी चाहत रहती है, उम्मीद रहती है। ये बहुत अच्छा काम, नेक काम इनके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए देख रहे हैं कि लोगों को के बीच में काफ़ी सभी लोग खुश हैं इनके द्वारा तिरंगा बांटने से। भगवान करे इसी तरह से अच्छा नेक काम ही करते रहे आगे भी। जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना अंतर्गत स्लैग रोड निवासी एक महिला इन दिनों अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की प्रताड़ना से परेशान है। स्थानीय थाने द्वारा शिकायत नहीं सुने जाने के बाद महिला ने नगर पुलिस अधीक्षक से अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। नगर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची महिला ने बताया कि वे पिछले एक वर्ष से इस क्षेत्र में भाड़े पर रह रही है और लगातार कई महीनों से उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति द्वारा उन्हें जबरन प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पड़ोसी किसी भी वक्त उन्हें अकेला पाकर घर में घुस जाते हैं और उनके साथ छेड़खानी करते हैं। इस पर जब उनके द्वारा विरोध किया जाता है तो व्यक्ति द्वारा उन्हें जान से मार डालने की धमकी दी जाती है। इस मामले में उन्होंने स्थानीय थाने में शिकायत की लेकिन इसका असर नहीं हुआ। मंगलवार को इनके द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई गई। हम सीतारामडेरा में स्लैक रोड में एक साल से रह रहे हैं भाड़ा में। वहीं का एक पड़ोस का आदमी है भरत पांडे, जो मेरे साथ आए दिन छेड़खानी करता है, रोड में गंदा गंदा कमेंट्स करता है। इसलिए हम उससे बार बार विरोध भी किए हैं इस चीज़ के लिए। होते 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 तो मैं वो बहुत अति कर दिया है। इतवार 12 अगस्त को शाम का 5 बजे के बीच में मेरे घर पे कोई नहीं था, वो अचानक से कोई बहाना से मेरे घर पे आ गया और मेरे साथ में छेड़खानी करने लगा। गलत नियत से आके अनसन बोलने लग गया। जब हम विरोध किए, हल्ला चिल्ला किए कि अभी हम सबको बुलाएंगे, निकलो यहाँ से, तो मेरे को धमकी देने लगा कि अगर किसी को बोलेगी हम यहाँ आके तुम्हारा साथ में बदतमीजी किए हैं, चाहे तुमको मारपीट कर रहे हैं ऐसे वैसे, तो मर्डर कर देंगे, तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। DSP साहब के पास आए हैं अपना यही प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए कि मेरा कुछ बात सुने, प्रशासन मेरा बात सुने, और नहीं सुनेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास।
हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में छात्र आलसू कोल्हा निकाय द्वारा आलसू पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो की हत्या की साजिश रचने वालों की गिरफ्तारी तथा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग महामहिम राज्यपाल के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में उन्होंने जिला पुलिस कप्तान के माध्यम से महामहिम को मांग पत्र भेजा। इस दौरान उन्होंने इस मामले में जोरदार नारेबाजी की। बता दें कि पिछले दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ था और इसी के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। छात्र आजसू ने भी इसका विरोध किया है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में इनके द्वारा जिला पुलिस कप्तान के माध्यम से एक मांग पत्र महामहिम राज्यपाल को भेजा गया। उग्रवादियों के द्वारा झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सुदेश कुमार महतो जी की हत्या की साजिश की जा रही है, इससे पूरा झारखंड, पूरा महतो समाज काफी इसमें आक्रोशित है। आखिर क्यों जब कोई कुलमी का नेता आगे बढ़ता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है? पहले हम लोगों ने, पूरे झारखंड ने निर्मल दा को खोया, उसके बाद हम लोगों ने सुनील महतो को हम लोगों ने खोया। क्या कोई झारखंड के पटल पर कोई कुलमी नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या जब भी कोई आगे बढ़ता है तो हत्या साजिश की जाती है? हम ये मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से, हम लोग मांग करते हैं इस हत्या रूपी प्रकरण में जो भी लोग शामिल हैं उनका नाम सार्वजनिक किया जाए और साथ ही साथ इस उग्रवादियों की चपेट में जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री उदय कुमार महतो हैं, इस प्रकरण की सीबीआई जांच की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आज सांकेतिक तौर पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सदन से लेके सब तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जमशेदपुर में भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले दिनों हुए प्रदर्शन के दौरान संविधान के प्रतियों को जलाए जाने का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया, साथ ही इनके गिरफ्तारी की मांग केंद्र सरकार के समक्ष उठाई गई। इस दौरान इनके द्वारा साक्षी आम बगान मैदान से जुलूस निकाली गई जो जिला मुख्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। सभी ने इस दौरान संविधान के प्रतियों को जलाए जाने और उसके रचयिता के विरोध में नारे लगाने का विरोध जताया। इस दौरान इन्होंने कहा, देश के संविधान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है और इस संविधान को दुनिया का बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है। संविधान में बाबा साहेब ने समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया था और उसी के प्रति को पिछले दिनों दिल्ली में जलाया गया जो बेहद ही शर्मनाक है। इन्होंने प्रदर्शन के उपरांत केंद्र सरकार के समक्ष मांग उठाई है कि इस प्रदर्शन में शामिल लोगों को चिन्हित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। जो हमारे देश का संविधान जो ग्रंथ है जिसको खुलेआम चुनौती 3% लोग जो दे रहे हैं और पार्लियामेंट सीट में दे रहे हैं और उसको जलाया जा रहा है और इस देश पे क्या कहते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और इस देश में देशद्रोही का जो है मुकदमा बेगुनाहों पे होता है और जो संविधान जलाए उस पर नहीं रहा है, उसकी आवाज़ और हम सब पीटी पिटाए मजलूम लोग हैं और भारत के मूल निवासी हैं, भारत के हम लोग जो हम जो है ये अपनी मांग को लेकर डीसी साहब को संवैधानिक तरीके से देने आए हैं और हमारा पूरा देशव्यापी अभी तक हम लोगों ने 15,000 से 20,000 जगहों पे ये प्रोटेस्ट मार्च और एफआईआर कर चुके हैं। महाराष्ट्र यूपी पूरे देशव्यापी है। अब हम पूरे इसको झारखंड में केस करेंगे, यहाँ पे भी हम थानों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हों तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एमजी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।